हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनली यूज ड्रग्स इन प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, यानी कि ऐसे कॉमन ड्रग जिनका यूज़ हम माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए करते हैं। साथ में इसके अंदर हम देखेंगे ड्रग का क्लास, उसके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल, और साथ में हम बात करेंगे उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में। तो ये जो पॉइंट है टॉक्सिसिटी वाला, वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शुरू के दो टेबल हैं वो आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ड्रग की क्लास कौन कौन सी है। सबसे पहला है बीटा ब्लॉकर, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर का एग्जाम्पल जो कि माइग्रेन के रेस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट है वह है आपका प्रोप्रानोलोल। ये हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो हम कवर कर सकते हैं कि भाई ये क्लास है, ये एग्जाम्पल है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि उसकी टॉक्सिसिटी को भी समझा जाए। ये टॉक्सिसिटी क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी ये है कि वो नाइटमेयर्स कॉज कर सकता है, यानी कि रात को आपको थोड़े से डरावने सपने जैसा चीज़ें आ सकती है, डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है, स्वेटिंग कॉज कर सकता है, ये उसके साइड इफेक्ट है। दूसरा, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर सकता है। ये मेन इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी है जिसके ऊपर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, और खास करके ये स्पेसिफिकली रिस्पेक्टिवली है आपके मेल के। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द बीटा ब्लॉकर विद स्पेशल रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके बाद जो अगला टॉक्सिसिटी है वह है आपका एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, यानी कि आपको दिक्कत जाएगी एक्सरसाइज करने में। इसके साथ साथ अगली जो कैटेगरी है हमारी, जो कि माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, वह है एंटी एपिलेप्टिक्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर का जो एग्जाम्पल है वह है दो। पहला है वैल्प्रोएट सोडियम, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेज यूज होता है, तो इसको आप हैज मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये आपका लीडिंग ड्रग है। इसकी क्या क्या टॉक्सिसिटी है? ये आपके लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, वेट गेन कॉज करा सकता है, ट्रेमर कॉज करा सकता है, और टेरेटोजेनिसिटी कॉज करा सकता है। टेरेटोजेनिसिटी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो स्पेशल रेफरेंस टू फीमेल के ही होगी, जैसे ऊपर आप बताते हैं इरेक्टाइल फंक्शन मेल के रिस्पेक्ट में, तो टेरेटोजेनिसिटी फीमेल, वो भी प्रेग्नेंट फीमेल के रिस्पेक्ट में होगी। टेरेटोजेनिसिटी एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे कोई भी प्रेग्नेंट वुमन अगर मेडिसिन लेती हैं तो वो जो मेडिसिन है वो अगर मूव करता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर से, एम फॉर मदर और एफ फॉर फीटस में, तो यहाँ पे जो ऑर्गन जनरेसिस हो रही होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस जो हो रही होगी, उसको अल्टर करेगा और उससे आपको अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि डिलीवरी के बाद दिखेगा। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटी इन जनरेशन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड टेरेटोजेनिसिटी। अभी इसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के अंदर दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है आपका टोपिरामेट, और इस टोपिरामेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता में थोड़ी सी कमी हो सकती है, सोचने विचारने, जज करने की, जजमेंटल एक्टिविटी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। उसके बाद अगला प्रॉब्लम हो सकता है आपका पैरास्थेसिया, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल सेंसेशन, ये ज़्यादा ज़रूरी वर्ड है, इसको ज़रा याद रखिएगा। उसके बाद है प्रेसिपिटेट ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा के बारे में भी हमने कवर किया है, और रीनल स्टोन, यानी कि पथरी में प्रॉब्लम, किडनी में पथरी कॉज कर सकता है। इसके बाद अगला जो कैटेगरी है एंटी माइग्रेन ड्रग के रूप में वह आपका ट्रिप्टेंस। इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका फ्रोवाट्रिप्टन, इसका एग्जाम्पल है लाइक ट्रिप्टेंस, मतलब जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो ट्रिप्टेन के जैसे ही होंगे। उसके बाद अगली कैटेगरी है वह एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एग्जाम्पल है एमाइट्रिप्टाइलिन, और इस एमाइट्रिप्टाइलिन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, यानी कि साइड इफेक्ट है डोज डिपेंडेंट, वह आपका कॉन्स्टिपेशन, दिस कॉमन, ड्राई आइज एंड माउथ, जो कि एंटीसिक्रेटरी ड्रग के कारण से भी हो सकते हैं, ड्राउसीनेस और वेट गेन, ड्रग इंटरेक्शन विद सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। दूसरा एंटी डिप्रेशन कैटेगरी के अंदर का ड्रग वह है आपका वेनालफ्लैक्सिन। इसके अंदर के जो टॉक्सिक इफेक्ट है साइकेट्रिक सिम्टम्स, सीरोटोनिन सिंड्रोम, ये तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके जो हैप्पी हार्मोन का लेवल है वो डाउन होने लगेगा। इसके बाद अगली कैटेगरी हमारी वह है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इज बेसिकली यूज एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लेकिन इसके अंदर का जो एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं एंटी माइग्रेन के रूप में वह आपका कैंडेसार्टन। उसके बाद कैंडेसार्टन के जो अंदर के टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है वह आपका पोस्चुरल हाइपोटेंशन। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी नेसेसरी, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको हम हैज मार्क लगा देते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के रिस्पेक्ट में कि कैंडेसार्टन का एक कौन सा साइड इफेक्ट है जिसको हमको मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ती है, वह रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जरा याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका फ्लुनारिजिन, इसके साइड इफेक्ट हैं वेट गेन एंड ड्राउसीनेस, साइकेट्रिक सिम्टम, मानसिक थोड़े से आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनसे संबंधित कुछ टॉक्सिसिटी है जो कि देखने को मिलते हैं। आज के टॉपिक को बनाने के लिए हमने फिर से यूज़ किया हमारा टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, जो कि थीम मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है और इसमें हमने पेज नंबर 383 को यूज़ किया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस बुक से संबंधित और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आप ये PDF विद इन दी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, इससे पहले के जो भी हमने लगभग 35 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए हैं, मोर देन 35 GPAT से रिलेटेड, उसको देखना चाहते हैं या इसी से रिलेटेड कई सारे MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना है सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देके रजिस्टर करना है। स्टोर टैब में जो कि नीचे होगा ऐप में, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे दो कोर्स आपके लिए यूजफुल होंगे रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन। वह सोल्यूशन बेस्ट एवर का और दूसरा GPAT/फार्मासिस्ट का। दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आएंगे, उसके रेस्पेक्ट से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।